हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। आरपीएससी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल स्टडीज पेपर थर्ड 23 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, इसमें यहाँ करवाए जा चुके हैं आपको। टेस्ट नंबर 24 डिस्कस करेंगे आज। अगर कोई भी क्वेरी है आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए ज्वाइन कर इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आप वेबसाइट पे जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी आपको टेस्ट सीरीज का लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप डिटेल देख सकते हैं। आपको इसमें कंप्लीट नोट्स और प्रैक्टिस टेस्ट का लिंक मिल जाता है, डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ में मिल जाता है, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी और आपका सिलेबस और रिविजन दोनों बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। लेट्स बिगिन। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि ये टेस्ट इंग्लिश में करवा रहे हैं तो ये हिंदी में नहीं है। ये टेस्ट, ये सेम क्वेश्चन हिंदी में भी अवेलेबल है। व्हाट इज द रैंक ऑफ राजस्थान इन फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023? 2023 में जो फूड सेफ्टी इंडेक्स रिलीज किए गए हैं उसमें राजस्थान की कौन सी रैंक है? देखिए, जो फूड सेफ्टी इंडेक्स है ये कौन रिलीज करता है? फूड सेफ्टी इंडेक्स सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज करती है और अभी ये रिलीज किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने। पांचवे थे ये, पांचवा एडिशन जिसको कहते हैं, इससे पहले चार बार और हो चुके हैं और ये पांचवा एडिशन था इनका, ये जो फूड सेफ्टी इंडेक्स है इनका। इसमें राजस्थान की जो रैंक है, एट्थ रैंक है राजस्थान की। ये जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी ध्यान रखना, ये जारी करता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की ओर। ये राजस्थान के जिले दिए हुए हैं, इनको बताना है पूर्व से पश्चिम की ओर कि पहले ईस्टर्न साइड में कौन सा है, देन उसके बाद ये, इस तरीके से ईस्ट टू वेस्ट ये बताना आपको। देखिए, जैसा कि मैं पहले टेस्ट से कह रहा हूँ आपसे कि आप मैप को जरूर देखिए। अगर आपने मैप नहीं देखा है, मैप नहीं याद किया है, मैप को नहीं पढ़ा है, तो फिर आप इस तरीके के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसमें ईट एंड ट्रायल लगाएंगे, तुक्का वगैरह चल जाता है, कई बार नहीं चलता है, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर है वो मैप से ही आएगा आपको। इसमें देखिए, बूंदी, अजमेर, पाली और बाड़मेर है, तो मैप में देखेंगे आप तो आपको सबसे पहले बूंदी नजर आएगा, देन इसके बाद इधर ऊपर आपको अजमेर मिलेगा, बूंदी के इधर नॉर्थ वेस्ट में ऊपर केकड़ी है, देन उसके ऊपर नॉर्थ वेस्ट में आपको अजमेर मिलेगा, फिर अजमेर से आपको है जो इधर वेस्टर्न साइड में ब्यावर है और उसके साउथ वेस्ट में पाली मिलेगा, और फिर बाद में बाड़मेर है जो वेस्टर्न है। तो इस तरीके से आप मैप में देखिएगा, मैं आपको एक बार मैप में दिखाने की कोशिश करता हूँ इनको। नया मैप जरूर देखिएगा, नया जो मैप आया है अभी 50 जिलों का, 53 की घोषणा कर रखी है पर अभी 50 ही है। देखिए, बूंदी है, हमें ईस्ट टू वेस्ट देखना है इस तरीके से, बूंदी है, देन ये अजमेर जिला है, केकड़ी भी नया जिला बना दिया है, शाहपुरा भी नया जिला बना है, ये नए जिले बने हैं दो इसके, तो पहले बूंदी आएगा, देन दूसरे नंबर पे अजमेर, ये ऑप्शन के हिसाब से कर रहे हैं, तीसरे में पाली और ये बाड़मेर यहाँ पे है। बालोतरा नया जिला बना है, सांचौर नया जिला बना है, सलूम्बर नया जिला बना है, इसके अलावा ब्यावर नया जिला बना है, फलोदी ये भी नया जिला है, अनूपगढ़ ये नया जिला है, इसके अलावा खैरथल नया जिला है, डीग ये भी नया जिला है, गंगापुर सिटी ये नया जिला है, ये जयपुर के दो बना दिए, जयपुर शहरी और ग्रामीण, दूदू नया जिला है, डीडवाना कुचामन ये नया जिला है नागौर से, और सीकर से ये नीम का थाना अलग बनाया है, नया जिला है। इस तरीके से आप जरूर पढ़िएगा नए जिले कौन कौन से बनाए हैं। हाँ, जोधपुर का भी, ये जोधपुर शहरी और ग्रामीण कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा बूंदी,
then अजमेर, पाली, then बाड़मेर। इस तरीके से आएगा, बूंदी, अजमेर, पाली, बाड़मेर, यही सही सीक्वेंस है इनका। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे सपोर्ट रहेगा आपका है जो, और इसमें आपका कुछ भी नहीं लगता है। द जूनागढ़ फोर्ट वॉज बिल्ट बाय, जूनागढ़ फोर्ट किसने बनवाया था? देखिए जूनागढ़ फोर्ट कहाँ पे है, जूनागढ़ फोर्ट है अभी बीकानेर जो मॉडर्न राजस्थान है इसमें, बीकानेर है जिला, यहां पे है जूनागढ़ फोर्ट। जूनागढ़ फोर्ट को पहले इसका नाम जूनागढ़ फोर्ट नहीं था, इसका ओरिजिनल जो नेम था चिंतामणि था, चिंतामणि फोर्ट इसका ओरिजिनल नेम था, बाद में इसका नाम हुआ है जूनागढ़ फोर्ट। ये जो फोर्ट है ये बनवाया गया था 1478 में, राव बीका ने बनवाया था ये किला, राव बीका ने, और 1478 में ये किला बनवाया था राव बीका ने। लेकिन आपको कई बार पूछ लिया जाता है कि बीकानेर की स्थापना किसने की थी, तो बीकानेर की स्थापना भी इन्होंने ही की थी, राव बीका ने 1472 में। और ये जो जोधपुर की जिन्होंने स्थापना की थी, जोधपुर की स्थापना किसने की थी, महाराजा राव जोधा ने की थी, जो राठौड़ क्लान से थे, राठौड़ वंश से थे, उन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी, और उनके ही दूसरे नंबर के बेटे थे राव बीका, सेकंड सन थे ये, इन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा आपके, जोधपुर और बीकानेर, जोधपुर की स्थापना महाराजा राव जोधा ने की थी जो राठौड़ वंश से थे, और राव बीका जो इन्हीं के सेकंड सन थे उन्होंने 1472 में बीकानेर की स्थापना की थी, और ये जूनागढ़ फोर्ट जिसका ओरिजिनल नेम चिंतामणि फोर्ट था ये राव बीका ने बनवाया था 1478 में। व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय मुंशी समर्थदान चारण इन 1889 फ्रॉम अजमेर? मुंशी समर्थदान चारण ने 1889 में अजमेर से कौन सा न्यूज़पेपर शुरू किया था, न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन में। देखिए ये जो न्यूज़पेपर है ये था राजस्थान समाचार, 1889 में मुंशी समर्थदान चारण ने राजस्थान समाचार ये पत्र, समाचार पत्र शुरू किया था। और जो गवर्नमेंट के काम हैं, गवर्नमेंट के काम हैं उनको पब्लिक तक पहुंचाने के लिए ये शुरू किया गया था। हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट इन द ड्रग डिस्कवरी रिसर्च सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी केप टाउन साउथ अफ्रीका? ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का नहीं है, ये राजस्थान करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। सो अभी रिसेंटली ये जो अफ्रीका में केप टाउन यूनिवर्सिटी है इसमें ड्रग डिस्कवरी रिसर्च सेंटर है, ये किसको ये पोस्ट दी गई है, ड्रग डिस्कवरी रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट बनाया गया है, तो ये किसे बनाया गया है? ये राजस्थान के ही रहने वाले हैं भंवर सिंह जाखड़, भंवर सिंह जाखड़ को ये बनाया गया है। और ये आपके इस तरीके का एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कम से कम दो भी तीन भी पूछ ले जाते हैं कई बार, पर मिनिमम एक क्वेश्चन तो आप मान के चलिए। इंटरनेशनल लेवल पे राजस्थान से कोई ऐसा इस तरीके का अपॉइंटमेंट या कुछ है वो पूछा जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर है, भंवर सिंह जाखड़ है, ये बाड़मेर के रहने वाले हैं, बाड़मेर राजस्थान के रहने वाले हैं ये। कोई भी क्वेरी हो आपकी, कोई भी इश्यू हो निसंकोच आप पूछ सकते हैं। ऑन 15th December 1945 द जैसलमेर प्रजामंडल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय मीठालाल व्यास इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? देखिए जो प्रजामंडल है या जो सेवन स्टेज हैं राजस्थान के ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उम्मीद है ये सब आपने अच्छे से कर लिया होगा। जो जयपुर प्रजामंडल, जोधपुर, बीकानेर प्रजामंडल, जैसलमेर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, इस तरीके के जो हैं
स्थापना किसने की और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ये जरूर पढ़िएगा, इनका एक लिस्ट बना लीजिए, अदरवाइज आपको ये लिस्ट हम प्रोवाइड करवा देंगे। क्वेश्चन में पूछा है कि 15 दिसंबर 1945 को जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की मीठालाल व्यास ने कहां पे की थी, ये स्थापना जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किस जगह पे की गई थी, ये स्थापना की गई थी जोधपुर में की थी ये। सो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की गई थी। देखिए अभी एक टेलीग्राम चैनल भी बना रहे हैं जो स्पेशली सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए ही होगा, और उसमें आपको टाइमली अपडेट्स या नोट्स या जो भी कोई आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा वो आपको उसमें शेयर कर दिया जाएगा, तो आप उससे जरूर जुड़िएगा, और वो यहाँ पे भी आपको ये बता दिया जाएगा वो टेलीग्राम के बारे में, या फिर आप हमारी वेबसाइट है उस पर जाके चेक कर सकते हैं, वहां मिल जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ मत्स्य संघ इज इनकरेक्ट। मत्स्य संघ ये हम पढ़ चुके हैं अच्छे से डिटेल में, और आप लोगों ने भी पढ़ लिया होगा इसको, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मत्स्य, मत्स्य यूनियन या मत्स्य संघ, ये तीनों एक ही है। ये मत्स्य संघ है, इसकी ये कब फॉर्मेशन हुआ था, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना की थी, ये एस्टेब्लिश हुआ था जो पहले के प्रिंसली स्टेट थे चार, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इनको मिला के ही मत्स्य यूनियन बना था। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे शोभाराम कुमावत, वो इसके पहले प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। फॉर्मेशन ऑफ मत्स्य संघ वाज द फर्स्ट फेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान, ये बिल्कुल सही है। राजस्थान के जो 7 चरण में हुए हैं यूनिफिकेशन, उसका पहला यही था मत्स्य यूनियन। द नेम मत्स्य संघ वाज गिवन बाय KM मुंशी, ये भी सही है। महाराजा ऑफ करौली वाज राज प्रमुख ऑफ मत्स्य संघ। देखिए जो मत्स्य संघ बना था तो इसके जो राज प्रमुख थे वो करौली के महाराजा नहीं थे, वो धौलपुर के महाराजा थे, धौलपुर के महाराजा इसके राज प्रमुख थे। सो ये इनकरेक्ट है, क्वेश्चन में भी इनकरेक्ट ही पूछा गया। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मत्स्य संघ वाज शोभाराम कुमावत, ये भी सही है, ये इनकरेक्ट पूछा है, तो थर्ड वाला, ये थर्ड वन इनकरेक्ट है। आप जब फ्री रहें, जब आपके पास टाइम हो, जब ही ये वीडियोस देखा कीजिए, अन्यथा क्या होता है कि आप एक बार देख के छोड़ देते हैं, उससे फिर हमारा नुकसान रहता है, तो आप ऐसा ना करें, जब भी देखें आप फ्री होके फुर्सत में पूरा देखें। वेयर हैज पुनीत सागर कैंपेन बीन कंडक्टेड बाय राजस्थान NCC बटालियन रिसेंटली, ये पुनीत सागर कैंपेन जो राजस्थान NCC बटालियन है इसने अभी कहाँ पे कंडक्ट किया है, पुनीत सागर कैंपेन। देखिए पुनीत सागर कैंपेन है ये स्वच्छ भारत अभियान का ही पार्ट है, इसी का ही हिस्सा है, ये स्वच्छ भारत अभियान के ही तहत ये ऑर्गेनाइज किया गया था पुनीत सागर कैंपेन, और इसका जो ऑब्जेक्टिव था पुनीत सागर कैंपेन का ये था टू क्लीन चंबल रिवर, चंबल को क्लीन करना था, और चंबल ये कोटा में किया गया था, इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखिएगा, ये काफी चर्चा में रहा है पूरे देश में। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट हैज द कोर्ट गिवन पनिशमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर सेक्शन 63 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट फॉर प्लेइंग ए सॉन्ग विदाउट ए लाइसेंस। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि अभी रिसेंटली पहली बार कॉपीराइट एक्ट, मतलब आपने कोई सॉन्ग बजाया है उसको बिना लाइसेंस के और उसमें सजा मिली हो, वो होता है, ये आता है सेक्शन 63 है जो कॉपीराइट एक्ट बनाया गया है उसका, सेक्शन 3 है बिना लाइसेंस के आप किसी दूसरे का म्यूजिक सॉन्ग वगैरह बजा देना,
तो अभी ये सजा पहली बार कहां दी गई है, किस जिले में दी गई है, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए इसमें क्या होता है, मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 3 साल। मिनिमम 6 महीने की सजा मिलती है और मैक्सिमम 3 साल की, और इसके साथ साथ फाइन भी लगा सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट बेस पूछे जा सकते हैं, इसलिए बताया आपको मिनिमम मैक्सिमम का। वेयर इन राजस्थान नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन रेपसीड मस्टर्ड इज सिचुएटेड। ये जो रेपसीड मस्टर्ड है, ये इसका नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, ये पूछा गया हमसे क्वेश्चन में। देखिए ये जो सेवर भरतपुर में है, ये सेकंड इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये है जो ICAR है, उसने एस्टैब्लिश किया था ये नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर रेपसीड मस्टर्ड। ये सेवर भरतपुर में है। कब स्थापना की गई थी इसकी, 20 अक्टूबर 1993 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रीड ऑफ काउ फाउंड इन राजस्थान। जो काउ की ब्रीड राजस्थान में पाई जाती है, उन कौन सी, जो ऑप्शन में दे रखी है, कौन सी काउ की ब्रीड राजस्थान में नहीं पाई जाती है, ये क्वेश्चन है। देखिए राजस्थान में जो काउ की ब्रीड पाई जाती है, नागौरी, थारपारकर, इसके अलावा नागौरी थारपारकर के अलावा आप देखेंगे तो राठी है, कांकरेज है, राठी, कांकरेज और गिर। एक और रह गई 6th, मालवी। मालवी ब्रीड है, ये बहुत कम है राजस्थान में, थोड़ी बहुत ही है, न के बराबर ही। ज्यादातर मालवी है जो हरियाणा में है, पर फिर भी है राजस्थान में काउ की ब्रीड। नागौरी है, जैसा इसका नेम है तो ये नागौरी है जो पाई जाती है इधर नागौर वगैरह साइड, इसलिए इसको नागौरी कहा जाता है। थारपारकर जो ब्रीड है, ये मेनली इसका जो ओरिजन है, ये बाड़मेर है इसका ओरिजन। थारपारकर का जो ओरिजन है, ये बाड़मेर है। जोधपुर हो गया, बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, उस एरिया में थारपारकर पाए इसकी काउ की ब्रीड मिलती है। जो कांकरेज है, राठी, थर्ड वन राठी जो है, ये बीकानेर में है, बीकानेर एंड गंगानगर, बीकानेर गंगानगर हनुमानगढ़, उस एरिया में ये ब्रीड पाई जाती है काऊ की, राठी ब्रीड। कांकरेज जो ब्रीड है काऊ की, ये बाड़मेर सिरोही जालौर उस एरिया में पाई जाती है। गिर जो ब्रीड है, ये सदर्न राजस्थान में पाई जाती है, जैसे चित्तौड़गढ़ साइड हो गया या कुछ बूंदी का एरिया हो गया, वहां पे पाई जाती है। और मालवी जैसे मैंने बताया हरियाणा में, तो ये आप ध्यान रखिएगा इनको। क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी नहीं पाई जाती है, तो चोकला थर्ड इसका करेक्ट आंसर। विच कंट्री प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर गोट डेवलपमेंट एंड फोडर प्रोडक्शन प्रोजेक्ट लोकेटेड एट रामसर अजमेर। ये जो कौन से कंट्री ने ये फाइनेंशियल असिस्टेंट, जो वित्तीय मदद की है गोट डेवलपमेंट एंड फोडर प्रोडक्शन प्रोजेक्ट के लिए, अजमेर में, ये रामसर में। देखिए अभी ये एक्चुअली कोलेब्रेशन हुआ है स्विस गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के बीच में, स्विस एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के बीच में ये कोलेब्रेशन हुआ था।
इस ये इनिशिएशन इनिशिएटिव उसके बाद ही शुरू हुआ है, इंडो स्विस गोट डेवलपमेंट एंड फोडर प्रोडक्शन प्रोजेक्ट। इसमें जो और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है सेमी अरिड कंडीशन। जो सेमी अरिड कंडीशन है राजस्थान में और स्विट्जरलैंड में, तो उसकी वजह से ये कोलेब्रेशन हुआ है दोनों के बीच में, स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के बीच में। इसमें क्रॉस ब्रीडिंग, जो सिरोही की गोट है, सिरोही की गोट, सिरोही जो जिला है राजस्थान में, वहाँ की जो बकरी है वो, और स्विट्जरलैंड में है एल्पाइन। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसका कि एल्पाइन एंड टोगनबर्ग क्या है। एल्पाइन एंड टोगनबर्ग ये स्विट्जरलैंड की बकरियों के नाम है, तो और राजस्थान की सिरोही गोट, इनके क्रॉस ब्रीडिंग के लिए ये दोनों के बीच में प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, कोलेब्रेशन हुआ है, और ये शुरुआत इसकी काफी पहले से ही हो गई थी। ये एल्पाइन जैसा आप देख रहे हैं, ये एल्प्स जो सीरीज है, एल्प्स माउंटेन सीरीज, उसी के का एरिया है ये स्विट्जरलैंड में, इसीलिए एल्पाइन कहा जाता है इसको। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। टोगनबर्ग है जो आपको ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगी इसकी, लेकिन ये स्विट्जरलैंड का है। द दरगाह ऑफ हजरत हाजिब शक्कर बादशाह, फेमस है शक्कर पीर बाबा, इज सिचुएटेड एट, ये दरगाह कहाँ पे है, शक्कर पीर बाबा की दरगाह, इट इज सिचुएटेड इन नरहड, ये है झुंझुनू जिले में, चिड़ावा के आसपास है ये कहीं, झुंझुनू जिले में नरहड, तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। हु हैज लॉन्च द पोस्टर ऑफ द सीरियल द ग्रेट मॉन्क स्वामी विवेकानंद बींग मेड ऑन स्वामी विवेकानंद इन मुंबई। ये क्वेश्चन में पूछा है कि अभी रिसेंटली जो सीरियल आ रहा है द ग्रेट मॉन्क स्वामी विवेकानंद, इस सीरियल का पोस्टर अभी हाल ही में मुंबई में किसने लॉन्च किया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा हमसे। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। कलराज मिश्र जो गवर्नर हैं राजस्थान के अभी प्रेजेंट में, राज्यपाल कलराज मिश्र, इन्होंने ये पोस्टर लॉन्च किया है जो सीरियल आने वाला है द ग्रेट मॉन्क स्वामी विवेकानंद। देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछ लिया जाता है कई बार, ये जैसे ये कोई इवेंट हुआ है, ठीक है, अब इस इवेंट से रिलेटेड और कोई राजस्थान में बनता है क्वेश्चन, तो वो पूछा जाता है डायरेक्ट। अगर ये नहीं पूछा जाएगा तो इससे मिला जुला कुछ पुराना पूछ लिया जाएगा, तो जैसे विवेकानंद म्यूजियम है उसका पूछा जा सकता है आपको, कंट्री का पहला जो स्वामी विवेकानंद म्यूजियम है वो कहाँ था, ये खेतड़ी में था, देश का पहला स्वामी विवेकानंद म्यूजियम। स्वामी विवेकानंद का रियल नेम क्या था, नरेंद्र दत्त था। अभी जो खेतड़ी में ये स्वामी विवेकानंद म्यूजियम था, इसका नाम चेंज कर दिया गया है 2019 में, 2019 में इसका नाम चेंज करके और अजीत विवेक म्यूजियम कर दिया, अजीत विवेक म्यूजियम कर दिया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अमंग ब्रांचेज ऑफ दादू पंथ। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जो दादू पंथ की जो ब्रांच है, इनमें से कौन सा है जो दादू पंथ की ब्रांच नहीं है। देखिए जो दादू दादू दयाल हैं उनके फॉलोअर्स को कहा जाता है दादू पंथ ही दादू पंथ, और इसकी दादू पंथ की जो मेन पीठ है वो कहाँ है, दादू खोल में है। कहाँ पे, दादू खोल में। और जो दादू दयाल हैं उनकी समाधि कहाँ है, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आप इनको सीरियस लीजिएगा। दादू पंत दयाल की जो समाधि है ये बैराना हिल है, केव ऑन बैराना हिल, बैराना हिल पे गुफा है, कहाँ पे, नरेना में, नरेना है यहाँ पे इनकी समाधि है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे।
दादू पंत के जो फॉलोअर हैं, ये इनको टाइप बताएं तो फाइव टाइप्स के हैं। दे आर क्लासिफाइड इनटू फाइव टाइप्स, खालसा, विरक्त, देन उपराधे या स्थान धारक कहें, खाकी और नागा। खाकी, नागा, उत्तराधे या स्थान धारक, विरक्त तपस्वी, विरक्त या विरक्त तपस्वी और खालसा। सो विरक्त, खाकी, नागा, इनके अलावा भी उत्तराधे और एक खालसा और रह गया। तो ये पांच है गौड़िया, ये दादूपंत के नहीं है ब्रांच। वेर आर द बुद्धिस्ट पीरियड केव्स कोलवी, बिनायागा एंड हत्यागौड़ लोकेटेड? ये जो बुद्धिस्ट केव है, बुद्धिस्ट पीरियड की केव है, कोलवी, विनायका, हत्यागौड़, ये बौद्ध गुफाएं हैं, ये राजस्थान में कहां पे हैं? जो ऑप्शन दे रखा है इनमें से किस जगह पे हैं, ये चर्चा में है। देखिए ये जो कोलवी, विनायका, हत्यागौड़, बौद्ध गुफाएं हैं, ये झालावाड़ जिले में है, राजस्थान में। सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और कोई भी क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, आप निसंकोच पूछ सकते हैं, जरूर डिस्कस करेंगे उसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट अबाउट द फेमस कैटल फेयर ऑफ राजस्थान एंड द प्लेसेज रिलेटेड विद देम? क्वेश्चन पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, गलत कौन सा है। ये पेयर दे रखे हैं, एक साइड फेयर है मेले और दूसरी साइड जगह प्लेस दे रखे हैं, तो कौन सा मेला किस जगह पे है, ये गलत कौन सा स्टेटमेंट ऑप्शन है, हमें ये देखना है। चंद्रभागा कैटल फेयर, चंद्रभागा कैटल फेयर है, ये झालावाड़ का सही है। सारणेश्वर कैटल फेयर, सारणेश्वर कैटल फेयर है, ये नागौर में नहीं भरता है ये मेला, ये मेला आपको मिलेगा सिरोही में, जालोर में और पाली में। सारणेश्वर कैटल फेयर है, ये सिरोही, जालोर और पाली जिले में लगते हैं मेले, ये नागौर सही नहीं है। तिलवाड़ा कैटल फेयर, तिलवाड़ा पशु मेला, ये बाड़मेर में है। जसवंत कैटल फेयर भरतपुर में है, और ये एक एक स्टेटमेंट में, एक एक लाइन में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार कि तिलवाड़ा पशु मेला कहाँ भरता है, जसवंत पशु मेला कहाँ पे लगता है, चंद्रभागा कैटल फेयर किस स्थान पे लगता है, कब लगता है। जैसे झालावाड़ में चंद्रभागा कैटल फेयर है, ये हर साल कार्तिक शुद्धि 11 से और पंचमी तक चलता है। इसमें जो बैल हैं भारी तादाद में वहाँ खरीदवा होती है बैलों की, और स्पेशली जो मालवी नस्ल के बैल हैं, मालवी ब्रीड के जो बैल हैं उनकी, इस तरीके से पूछा जा सकता है। आप जरूर इन सबको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डांसेज इज नॉट डन बाय मेन? देखिए कौन सा नृत्य है जो पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता है? ये लूर डांस है जो पुरुषों के, मेल्स नहीं करते हैं इसको, ये फीमेल्स ही, ये डांस उनके साथ ही एसोसिएटेड है, महिला उनके साथ। देखिए आप देखेंगे लूर क्या है, हरियाणा में भांगड़ा एरिया है, वहां पे लूर का मतलब ही क्या होता है, गर्ल, लड़की। लूर डांस ये उसमें लूर का मतलब ही लड़की होता है। और ये जो राजस्थान की बात करें तो लूर डांस है, ये मारवाड़ में भी फेमस है, और स्पेशली बात करें तो गरासिया ट्राइब, जो गरासिया ट्राइब है उनके बीच में ये काफी फेमस है। बाय विच डिस्ट्रिक्ट हैज द स्मॉलेस्ट पोलिंग बूथ been made by the election commission in Rajasthan assembly election 2023? जो अभी recently
असेंबली इलेक्शन हुए हैं, विधानसभा के चुनाव राजस्थान में। इसमें देखिए 25 नवंबर को वोटिंग हुई है और 3 दिसंबर को इसके रिजल्ट आए हैं। तो इसमें कहां पे सबसे छोटा पोलिंग बूथ बनाया गया था ये पूछा गया है। सबसे छोटा जो पोलिंग बूथ बनाया गया था वो पार में बनाया है, पार बाड़मेर में, पार बाड़मेर। पार बाड़मेर में बनाया गया था। इसमें टोटल 35 वोटर्स थे जिसमें 17 फीमेल एंड 18 मेल। अगर ये इस तरीके से नहीं पूछा जाता है और आपसे पूछा जाता है कि अभी इस असेंबली इलेक्शन में सबसे हाईएस्ट पोलिंग बूथ कहाँ था, तो सबसे हाईएस्ट जो आबू रोड है, आबू रोड सिरोही में, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट था। माउंट आबू भी सिरोही में ही है, हाईएस्ट माउंटेन पीक गुरु शिखर। तो ये ध्यान रखिएगा, बाड़मेर में सबसे छोटा पोलिंग बूथ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इज नॉन फॉर इट्स इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ द आर्ट ऑफ पपेट्री इन राजस्थान। कठपुतली की बात हो रही है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इनमें से अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रिजर्व करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए। किसका प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन? कठपुतली कला, आर्ट ऑफ पपेट्री इन राजस्थान। देखिए भारतीय लोक कला मंडल है, ये उदयपुर में है। दिस वन, ये सही है। 1952 में इसकी स्थापना की थी देवीलाल समर ने। ये इसका सही आंसर है। रूपायम संस्थान जोधपुर, ये भी सही है। रूपायम संस्थान जोधपुर, ये विजयदान देथा और कोमल कोठारी ने इसकी स्थापना की थी। विजयदान देथा एंड कोमल कोठारी, इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1960 में। सो ये दोनों ही सही है। अगर आपसे कठपुतली पे, पपेट्री पे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड है, तो ये दोनों ही है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा थर्ड वन, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए कई बार आप हिंदी लिखते हैं नीचे कि हिंदी में भी करवाइए, और हिंदी में करवाते तो आप बोलते हैं इंग्लिश में भी करवाइए। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है टेस्ट सीरीज में, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे भी ऐसा नहीं है, पढ़े अगर इंग्लिश में पढ़ा है तो उसको हिंदी में भी बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान द अर्थूना सिटी फेमस फॉर इट्स टेम्पल बिल्ट बाई परमार किंग्स इज लोकेटेड। ये अर्थूना सिटी जो टेम्पल बिल्ट किए गए थे परमार किंग्स के, वो कहां पे है? जो परमार डायनेस्टी थी, परमार रूलर्स थे, उनकी राजधानी हुआ करती थी ये। और ये यहाँ पे उन्होंने परमार डायनेस्टी के टाइम पे जैन और जो सेविज में शिवा और जैन टेम्पल ये काफी बनवाए थे अर्थूना, ये बांसवाड़ा में। कई बार इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है आपसे अर्थूना का किस डायनेस्टी के साथ एसोसिएटेड है, तो परमार डायनेस्टी इसका सही आंसर आएगा। अकॉर्डिंग टू द स्टेटस रिपोर्ट ऑफ स्टेट्स रिलीज्ड बाय आरबीआई, हाउ मच इंक्रीज हैज राजस्थान रजिस्टर्ड इन फूड गेन प्रोडक्शन इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23। जो आरबीआई की रिपोर्ट आई है अभी रिसेंटली, जो फाइनेंशियल ईयर है 2022-23, उसमें कितना इंक्रीज हुआ है राजस्थान का फूड ग्रेन प्रोडक्शन, खाद्यान्न उत्पादन की बात हो रही है, खाद्यान्न उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है राजस्थान की, जो ये अभी रिपोर्ट आई है उसमें। तो अभी जो आरबीआई की रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, खाद्यान्न उत्पादन में राजस्थान में
8.1% की इंक्रीज हुआ है। ये डायरेक्ट डेटा इस तरीके से पूछे जाएंगे आपसे, या तो बजट से पूछे जाएंगे या फिर इस तरीके कोई रिपोर्ट आती है वहां से पूछे जाएंगे। विथ विच ट्राइब ऑफ राजस्थान सोशियो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन हेलरू इज एसोसिएटेड। देखिए हेलरू क्या है, एक प्रथा चलती है उदयपुर संभाग साइड, मौताना चलती है, कोई मर गया या कुछ इस तरीके का होता है तो पैसे देकर उसकी मौत का जो पैसा लेते हैं वो जुर्माना, उसको मौताना बोलते हैं। अब ये जो हेलरू है ये संस्था है जो इसी को रोकने के, इसी तरीके की जो कुछ पुराने रीति रिवाज कहें या आप गलत चीजें हैं इनको रोकने के लिए ही ये संस्था है जो काम कर रही है हेलरू। स्पेशली जो गरासिया ट्राइब्स हैं, गरासिया जनजाति, उनके विकास के लिए कार्य कर रही है। ये एक सहकारी संस्था है, सोशियो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर आएगा। उदयपुर संभाग में ज्यादा है इस तरीके के। बेच दिया जाता है कई जगह छोटी छोटी बच्चियों को। इम्प्रेस्ड बाई स्ट्रॉन्ग नेचुरल सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ विच फेमस फोर्ट, अबुल फजल रोट दैट ऑल अदर फोर्ट्स आर अनक्लैड वाइल दिस इज आर्मर्ड। ये अबुल फजल ने किस किले के बारे में कहा है कि बाकी सब किले तो इतने मजबूत नहीं है या इतने बख्तरबंद नहीं है या इतना पर्दा नहीं है या इतनी सिक्योरिटी नहीं है नेचुरली, लेकिन इस किले में है। ये अबुल फजल ने कौन से किले के बारे में कहा है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर आएगा रणथंबोर फोर्ट। रणथंबोर फोर्ट को 2013 में जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है उसने 2013 में इस किले को राजस्थान के 5 और किलों के साथ साथ इसको जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसको घोषित किया था 2013 में रणथंबोर के किले को। रणथंबोर फोर्ट कहाँ पे है, ये रणथंबोर फोर्ट है सवाई माधोपुर जिले में। ये रणथंबोर राष्ट्रीय जो उद्यान है, रणथंबोर नेशनल पार्क, उसी में है ये। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर द गणेश्वर कल्चर फ्लरिश्ड। गणेश्वर कल्चर किस नदी के किनारे है ये पूछा है। देखिए गणेश्वर सिविलाइजेशन है, ये जो फला फूला है गणेश्वर सिविलाइजेशन, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा कांतली रिवर। कांतली रिवर आएगा इसका करेक्ट आंसर, थर्ड वन। कांतली रिवर पहले तो इसका सीकर होता था, अब आजकल तो ये नीम का थाना भी नया जिला बना दिया, तो आप वो जरूर पढ़िएगा। गणेश्वर सिविलाइजेशन है, इसको पुष्कर ऑफ आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है, पुष्कर ऑफ आर्कियोलॉजी। इसका एक्सकेवेशन किसने किया था, गणेश्वर जो सिविलाइजेशन है ये, इसका एक्सकेवेशन इट वाज डन बाय रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। कब किया था ये एक्सकेवेशन, 1977 में किया था। लेकिन इसका डिटेल्ड एक्सकेवेशन कब किया गया था, गणेश्वर जो कल्चर है सिविलाइजेशन है इसका डिटेल्ड एक्सकेवेशन किया था विजय कुमार ने 1978 से 79 में। तो ये दो अलग अलग हैं, आप इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या मिला था गणेश्वर जो सिविलाइजेशन, उसमें चालकोलिथिक टूल्स मिले थे, चालकोलिथिक पीरियड के टूल्स वगैरह यहाँ पे कांतली रिवर के किनारे। और इसको प्री हड़प्पा सिविलाइजेशन माना जाता है, गणेश्वर सिविलाइजेशन प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन है।
When was the battle of Khanwa fought between Rana Sanga and Babar? ये खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच कब हुआ था? मुगल फोर्स थी अंडर बाबर और राजपूत अलायंस था अंडर राणा सांगा ऑफ मेवाड़ और ये हुआ था 16 मार्च 1527 को। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स रूपनगर मेंधा एंड खंडेला रिवर ड्रेन देयर वाटर। ये जो रिवर्स हैं रूपनगढ़ मेंधा एंड खंडेला रिवर्स इनका पानी किस झील में जाता है? ये इसका करेक्ट आंसर आएगा सांभर लेक। सांभर ये लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट लेक है इंडिया की और इसमें ये जो मेंथा रूपनगढ़ है सामोद है खारी है खंडेला है इनका पानी इसी लेक में जाता है। इस लेक के बारे में हम एक टेस्ट में डिटेल में पढ़ चुके हैं। विच आर द टू लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान? कॉटन प्रोड्यूसिंग में दो लीडिंग डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं जो कॉटन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है किन दो जिलों में? तो सबसे ज्यादा कॉटन होता है श्रीगंगानगर एंड हनुमानगढ़ में। देखिए आप टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या वेबसाइट पे भी जाके और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी और आपका अच्छे से पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। साइट्स ऑफ विच कल्चर हैव बीन फाउंड मेनली इन द रिवर वैली ऑफ बनास एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज? बनास और उसकी सहायक नदियों का जो एरिया है वहां कौन सी कल्चर मिला है? जो बनास और उसकी सहायक नदियों की जो साइट्स है या बनास और उसकी ट्रिब्यूटरीज का जो बेसिन है वहां कौन सा कल्चर पाया जाता है या कौन सा कल्चर मिला है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए जो आहड़ कल्चर है, आहड़ कल्चर ये इसका करेक्ट आंसर आएगा थर्ड वन, आहड़ सभ्यता। ये बनास और इसकी ट्रिब्यूटरीज जहां है उस बेसिन में यही है, उदयपुर राजसमंद भीलवाड़ा टोंक। Approximately how much part of the total area of Rajasthan is covered by Thar Desert? Rajasthan का जो total area है उसका कितना percent Thar Desert cover कर रहा है, ये question पूछा गया है। राजस्थान का जो total area है उसका 61% desert area है, covered by Thar Desert 61.1%। देखिए इसमें काफी जिले भी आते हैं थार डेजर्ट जो एरिया है उसमें, जैसे चूरू है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, ये जालौर, कई जिले आते हैं इसमें, ये ध्यान रखिएगा। 61.11% करेक्ट आंसर है। वेयर इज द स्टेट्स लार्जेस्ट इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम बीन बिल्ट? ये राज्य का सबसे बड़ा इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ पे बनाया जाना है? ये बनाया जा रहा है खेलगांव उदयपुर में। वैसे तो ज्यादातर चीजें या तो अशोक गहलोत जोधपुर में ही बनाता है या फिर वसुंधरा बनती है तो झालावाड़ में बनाती है, लेकिन ये खेलगांव उदयपुर में बन रहा है। Recently the innovation of green garden has been started at by which district? ये एक innovation शुरू किया गया है green garden के नाम से, ये अभी किस जिले में शुरू किया गया है green garden? ये green garden initiative ये अभी शुरू किया गया है अनूपगढ़ जिले में। अनूपगढ़ अभी मैप में दिखाया था आपको, यहाँ पे है जैसलमेर, ये श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, यहां मिलेगा आपको पाकिस्तान बॉर्डर के जो टच में है।
ये ग्रीन गार्डन अनूपगढ़ में बनाया है, ये शुरू किया गया है, अनूपगढ़ नया जिला है। हाउ मेनी प्रियदर्शिनी डे केयर सेंटर्स टू बी ओपन फॉर द केयर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग वीमेन अनाउंसड इन राजस्थान बजट 23-24। देखिए ये बजट का मैं अनाउंस किया था, ये कितने किए गए थे कि कितने प्रियदर्शिनी डे केयर सेंटर खोले जाएंगे, किसके लिए, फॉर द केयर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग वीमेन्स, जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको बच्चों की देखरेख के लिए कितने ये प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर, वो दिन में काम पे जाती है उनके बच्चों को यहाँ रखा जाए, प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर ये कितने खोले जाएंगे। ये बजट जो निकाला था अभी पिछला दो मार्च में 2023-24 का, इसमें घोषणा की गई थी 500। घोषणाएं तो बहुत हुई, हुआ कुछ नहीं ज्यादा। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। और भी कोई भी आपका डाउट है आप पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।